सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कन्वर्सेशन में। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको पिक्चर के लिए। रंग देश से वीरे दी वेडिंग का सफ़र कैसा रहा और रंग देश के बाद इतनी बड़ी पिक्चर राग देश, इतनी बड़ी पिक्चर काफ़ी जल्दी ग्रो अप कर गया? जल्दी तो देखने में लगता है, थोड़ा टाइम तो लगा। राग देश एकदम अलग एक्सपीरियंस था एक्चुअली। उसमें इतना बड़ा पार्ट नहीं है मेरा। मैं तिग्मांशु सर से मिला और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है और कोई एक्टर चाहिए करने के लिए। तो क्योंकि इतना बड़ा नहीं है तो ऑब्वियसली जो लोग काफ़ी इस्टेब्लिश हैं वो मान नहीं रहे थे, तो मुझे याद किया उन्होंने। और फिर मेरा बहुत मन था तिग्मांशु सर के साथ काम करने का। बहुत बहुत ब्रिलियंट डायरेक्टर हैं, बहुत क्या लिखते हैं वो, और उनके साथ काम करना एक अलग एक्सपीरियंस है। मैंने बोला ठीक है, कुछ कैरेक्टर छोटा बड़ा नहीं होता है। बहुत इंटरेस्टिंग था। मोहन सिंह बड़ी पगड़ी थी, इतनी लंबी दाढ़ी थी, रुतबा था, 35 साल का आदमी था जो जो अपने इरादों में बहुत पक्का था। एक्चुअली वो कैरेक्टर मेरे बहुत मेरे फादर की तरह है। तो मैंने मैंने इसलिए मेरे को जब मैंने पढ़ा तो मैंने बोला बहुत मज़ा आएगा करने में, चैलेंजिंग है, तो मैंने किया। उसके बाद वीरे दी वेडिंग तो एकदम अलग है। ये तो ऐसे गिफ्ट मिला है कुदरत की तरफ से, लो बेटा करीना और सोनम के साथ काम करो। तो सफर अच्छा था, इंटरेस्टिंग। बीच में मैंने ब्रिटिश सीरीज की एक मैकमाफिया करके। लकीली बहुत डिफरेंट 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 काम करने को मिल रहा है और लोगों को अच्छा लग रहा है, तो सब ठीक है। मैं रिया के साथ कुछ और करने वाला था, एक और फिल्म। वो फिल्म कहीं बीच में है अभी, लेकिन तो उस दौरान वीरे दी वेडिंग इन्होंने प्लान कर ली और इट केम ऑन फ्लोर्स। और जब ये लोग भंडारी कास्ट कर रहे थे तो पता नहीं इनके मन में कुछ आया, मुकेश चावड़ा जी कास्टिंग डायरेक्टर है, उनके मन में कुछ आया, इन्होंने आपस में बात करके, और मुझे फ़ोन आया ऑफिस से कि ये स्क्रिप्ट भेज रहे हैं, किसका टेस्ट है। तो मैंने बोला ठीक है, कुछ नहीं बताया कि सोनम के साथ है और क्या पिक्चर है ये वो। तो मैंने पढ़ा कैरेक्टर वो भंडारी, और मतलब मैंने सोचा कि ये तो मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मतलब चलो मुझे अच्छा लगा। अच्छा भी लगता है एक्टर को कि किसी डिफरेंट जोन में आपको यू नो आप पे विश्वास रखा जा रहा है कि आप कुछ अपने से निकल के कुछ अलग कर लेंगे। तो सीन बहुत मज़ेदार था यार, बहुत मज़ेदार सीन था। ऑडिशन सीन था वो जो उसके घर में आती है जब, और उसकी माँ को देख लेती है, वो वाला सीन था। तो वो किया ऑडिशन अच्छे से, और मुकेश छावड़ा जी आपको पता है जगास कास्टिंग डायरेक्टर है, उनका आपके ऊपर मन आ गया तो रोल आपको मिल जाता है। तो मेहनत करके गए सब और अच्छा लगा उनको टेस्ट। थोड़े दिनों में फ़ोन आ गया, थोड़े दिनों में नहीं, एक दो दिन में फ़ोन आ गया कि सोनम के साथ लुक टेस्ट है, और तब बताया कि सोनम कपूर है एक्ट्रेस। तो मैं डर गया। तो तब मुझे पता लगा कि ये कितना किस प्रपोर्शन में सीरियस काम है ना। फिर मैंने बोला, फिर मैंने थोड़ा सोचा क्या करना है, कैसे करना है भंडारी वाला। और जब सोनम के साथ लुक टेस्ट किया तो सीन भी नहीं बताया कौन सा, बोला वहीं कर लेंगे। फिर वहां गए और सोनम से मिले, आधी टेंशन तो वहां ख़त्म हो जाती है ना जब आप उनसे मिलते हो और आपको लगता है कि यार बहुत अच्छी है, कोई स्टार वाली बात नहीं है, और बड़े प्यार से मिलते हैं वो लोग। और वो उनके माहौल में, ऑफिस में इतना बढ़िया माहौल रहता है वहाँ अनिल कपूर फिल्म्स में, वहाँ सब अब मेरे दोस्त हैं, सनब है, मनीष है, सब मेरे प्यारे दोस्त हैं अब। और फिर शशांक डायरेक्टर हैं जो, वो बहुत कूल हैं, मुकेश सर थे, उनकी टीम थी। बेसिकली एक नए एक्टर के लिए जब किसी किसी सोनम जितनी बड़ी स्टार के साथ आप कहीं जाके और आपको उनके ऑफिस में जाके और उनके साथ उनके घर में लुक टेस्ट करना होता है, तो ऑनेस्टली एक नए एक्टर के लिए अंदर से बहुत डर लगता है तुम्हें, क्योंकि नर्वसनेस रहती है और सब नया और एक अलग दुनिया है, और वो लोग एस्टेब्लिश्ड हैं, उनको काम कर चुके हैं, उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, और तुम्हारे लिए अगर ये फिल्म मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो वो एंजाइटी हमेशा रहती है, वो थी, लेकिन वो ब्रेक हो गई वहाँ जब गए और वहाँ सबसे रिया और सोनम से मिले, तो वो ब्रेक हो गई एंजाइटी। फिर अंदर गए और फिर लुक टेस्ट हुआ, तो लुक टेस्ट में वो सीन इन्होंने हमने किया जो वो कार वाला सीन है, जो कहता है कि मतलब मेरी शादी नहीं हुई, वो कहती है कि मेरी प्रॉब्लम है फंसा है ना, मुझे निकाल दे उसमें से। तो वो बोलती है मैं डिवोर्स लॉयर हूँ, तेरी शादी हुई है। तो वो आगे से मेरा जवाब था कि तू हाँ तो बोल, तो जवाब मैंने दिया ही नहीं और मैंने ऐसे सोनम की तरफ देखा और मैं हंसने लग पड़ा। तो सोनम ने मेरी तरफ देखा, थोड़ी देर दिखती थी कि पागल क्या कर रहा है, और फिर वो भी हंस पड़ी और फिर सभी हंस पड़े, मुकेश सर थे और रिया थी,
सब हंस पड़े और वो एकदम माहौल बन गया, एकदम भंडारी वाला माहौल बन गया। तो फिर अच्छा लगा उन्हें, जैसे मतलब सबने रिएक्ट किया, मुझे लगा कि यहाँ पे लग रहा है बात बन जाएगी, और वो बात बन गई। एक्चुअली कमरे से बाहर निकलने से मैं निकल रहा था और पीछे से सोनम ने चीख के बोला कि मिल गया तुम्हें पार्ट, आई थिंक यू गॉट इट। अमूमन हम देखते हैं कि पिक्चरों में लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं, इसमें लगता है पूरा मतलब टोटली परेशान किया है तीनों ने, तीन हाँ लोगों ने। वेल, जिन्हों जिन्होंने तो फिल्म देखी है वो तो जानते हैं कि ऐसे भंडारी को परेशान करना इतना आसान नहीं है, मतलब काफी मुश्किल है उसे परेशान करना। वो कैरेक्टर ऐसा था कि मतलब वो परेशान हो ही नहीं सकता है वो, और उसने सिर्फ सोनम को पूरी फिल्म में परेशान किया है, लेकिन अलग था, बहुत बहुत मजा आया यार, मतलब बहुत डिफरेंट। ये मुझे तो मतलब ठीक है, मुझे पसंद है अगर मतलब दोस्त और जो बहनें हैं वो सब परेशान करें, बहुत ब्यूटीफुल बनता है हिसाब किताब, बैलेंस्ड रहना चाहिए सब। एनी क्रेजी मोमेंट ऑन लोकेशन शूट, कोई ऐसा पल? मेरा कैरेक्टर ही ऐसा था, मेरा हर सीन मतलब इतना वो फनी और क्रेजी टाइप है, उसकी हरकतें ऐसी है वो कि वो मतलब चढ़ता है ऊपर और सबको हंसी आती थी वो तो मेरे तो। और मैं क्योंकि ऐसा इतना नहीं हूं ना पर्सनल लाइफ में, तो मैं सेट पे बिल्कुल ऐसे, मेरी कोशिश थी मैं जितना भंडारी बन के रह सकता हूँ उतना रहूँ, तो मैं सबके साथ है ना, हर लड़की से हेलो हेलो सबके साथ, मैंने थोड़ा बिल्कुल भंडारी था मैं सेट पे। वो उसने बहुत हेल्प करती है वो चीज़ तो, मैं एक तो मुझे कॉन्फिडेंस। हाँ जी, करीना है ना स्वरा? नहीं, नॉट करीना मैडम के, तो मैं हेलो मैम आस पास, हेलो हाय हाय हाय। पर्सनली जब मिले नहीं थे उससे पहले क्या दिमाग में उनके लिए क्या इमेज थी, और बाद में क्या आपने सोचा मिलके? यार मेरी सेम इमेज थी जो एक जालंधर के लड़के की होगी करीना कपूर के बारे में, मेरा ख्याल किसी को नहीं पता ये। लेकिन तो तुषार कपूर के साथ करीना मैम की पिक्चर आई थी ना, क्या नाम था उसका, शुरू में नई पिक्चर आई थी है बिल्कुल ना बिल्कुल बिल्कुल, वो, मुझे कुछ कहना है। मुझे कुछ कहना है, शाबाश महेश, मुझे कुछ कहना है फिल्म के बाद मैंने करीना कपूर के दो पोस्टर लेके एक अलमारी के अंदर लगाया था और एक बाहर दीवार पे, एंड आज तक मैंने और किसी का कोई पोस्टर नहीं लगाया। और फिर मैं भूल गया, फिल्म शूट करने के बीच में या पता नहीं बाद में मेरी बहन ने मुझे याद दिलाया। तो ये बिल्कुल वही छोटे शहर के लड़की की कहानी है जो मतलब सोचता है कुछ ऐसा बचपन में और हो जाता है वो बड़े। तो मेरे लिए करीना कपूर वही थी, लेकिन एब्सोल्युटली जब काम किया, और अब थोड़ा एक एक्टर को भी देखता है ना, तुम सिर्फ विश्वास करीना को नहीं देखता है, तुम एक छोटा मतलब नया एक्टर, एक मंझे हुए सीनियर एक्टर को भी देखता है ना, उस नजरिए से मैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पेशेंस, हार्डवर्क, कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स, और मतलब एक प्रेजेंस ऑफ माइंड कॉन्स्टेंट, ये सब चीज़ें ये हमारे जितने सीनियर एक्टर्स हैं ना इनमें बहुत कुछ है, मतलब कि जितनी बार काम करो रोज रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल सकता है, मतलब अगर तुम उस नजरिए से सीखने के लिए रेडी हो और तुम आसपास देख रहे हो ना कि सीखना है सीखना है, तो बहुत कुछ है देखने सीखने के लिए। मैंने करीना मैम से ऐसी बहुत चीजें सीखी ऑनेस्टली। म्यूजिक लॉन्च पे आया था मैं, तो काफी मस्ती भरा माहौल देखा था हमने स्वरा का, हाँ सब जी मस्ती कर रहे थे, हाँ तो जी, शूट पे भी वैसी थी? वो लाइफ में ऐसी है भाई स्वरा, मतलब अब स्वरा को तो सब जानते हैं, मतलब स्वरा को साक्षी सोनी मिली इसलिए क्योंकि साक्षी सोनी अगर यहाँ है तो उसको स्वरा यहाँ ले जा सकती है, और स्वरा ने वही किया, स्वरा है स्वरा। और मैंने भी बहुत मस्ती मारी सेट पे, स्वरा की भी ये बहुत खूबसूरत एक बात है कि उसके साथ दोस्ती करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, वो ज़्यादा वो नहीं रखती बीच में अपना है ना, वो अगर जैसे तुम हो तो मैं बिल्कुल वैसे एक्सेप्ट कर लेती है, और फिर कोई इनहिबिशन नहीं रहता तुम्हारे अंदर भी, मतलब मेरे को अगर सेट पे सिर्फ स्वरा है जिसके साथ मुझे कोई भी सोच समझ के बात करने की जरूरत नहीं है, मैं बिंदास बात कर सकता हूँ स्वरा से, रात को 2 बजे फोन करके भी कर सकता हूँ, तो और इतनी पुरानी भी नहीं जानती है मुझे वो, तो वो बहुत अच्छी मुझे लगता है, इसमें स्पेशल क्वालिटी है कि ऐसे किसी का भी दिल जीत लेना स्वरा में, वो बात बहुत अच्छी है स्वरा, इतनी चढ़ना नहीं है, हाँ तारीफ कर रहा हूँ मैं, मगर तब भी टेक इट इजी, ओके। हम देखते हैं ज़्यादा करके
कैरेक्टर को ही एक्टर निभाता है तो उसमें टोटली इनपुट हो जाता है, घुस जाता है, और फिर पिक्चर खत्म होने के बाद भी थोड़ा बहुत वो जोन में रहता है वो। तो ऐसा कुछ हुआ है और कभी किसी लड़की को आपने उसी भंडार वाले कैरेक्टर में कुछ कह दिया हो? मेरे मुंह पे थप्पड़ का निशान है, कहीं आंख वाँख फूटी है मेरी? नहीं ना, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। एक्चुअली मैं अभी उस तरह का एक्टर नहीं बना हूँ जो इतना ज़्यादा, समझ रहे हैं आप, नवाज भाई की तरह की कैरेक्टर क्रिएट करके और ये हो। मैं क्योंकि किसी फिल्म स्कूल से नहीं हूँ, तो मेरा जो नज़रिया है एक्टिंग को लेके वो अभी इतना ज़्यादा डीप नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग काम कर रहा हूँ उस पर, मैं मतलब सीखते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मगर अभी ये है कि कितना कितना कैसा कैसा करेगा, क्या क्या रहेगा टाइप्स, ये वो। और फिर सेट पे हम जैसे जैसे करते जाते हैं, अगर रिहर्सल टाइम मिले तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अब जैसे इसमें रिहर्सल का टाइम था ही नहीं, तो सेट पे जाके जैसे जैसे रोज़ कुछ नया मिलता था भंडारी में कि ये ऐसे कर सकता है, ऐसे कर सकता है, और वो मिलता गया और मैं करता गया। तो वो बेसिकली अभी उसमें नहीं हूँ कि मैं इतना भंडारी में घुस गया या बाहर आया। और वो कैरेक्टर भी थोड़ा ऐसा था कि मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो विश्वास है वो काफ़ी कुछ भंडारी से सीख के आया है, कि अगर कुछ करना है लाइफ में, किसी से बात करनी, कोई पसंद है, या जैसे तुम हो बिंदास वैसे रहो। और आप देखो ना कैसे सब लीचड़ बुला रहे हैं उसको, मगर मेरा फ़ोन देखो आप, मेरे पास 1,000 से ऊपर मैसेज है, लोगों को इश्क हो गया उससे। तो अगर एक लीचड़ खुद से खुश है ना, और वो बिंदास है और लोगों को उससे इश्क हो सकता है, तो हम जैसे भी हैं, अगर हम खुद से प्यार करते हैं ना, और हम कॉन्फिडेंट हैं और हम बिंदास रहते हैं, तो मुझे लगता है सबको पसंद आओगे आप। ये मैं सीख के आया भंडारी से करते करते। वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू गेट फ्रॉम योर कैरेक्टर विच स्टे ऑलवेज स्टे इन योर माइंड। मुझे एक भंडारी का ये मैसेज आया, दिल्ली का ही लड़का है, पूरा नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन उसका मैसेज आया कि भाई कमाल कर दी, मेरा कजन है एक, तो आप तो बिल्कुल ऐसे हो, और आप किसी भंडारी को जानते हो क्या? और मतलब लंबा मैसेज कि हमारी तो ये हो गई, वो हो गई, हम तो मतलब, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार। मुझे लगा ऐसे तो बहुत मैसेज आए कि बिल्कुल वेस्ट दिल्ली लड़के हैं, ऐसे ही होते हैं, और आपने बिल्कुल सही निभाया ये हो। मगर जब कोई भंडारी बोल के बोल रहा कि भंडारी ऐसे होते, तो अच्छा लगा यार, मतलब खुशी होती। ड्रीम रोल है दिमाग में कि कैरेक्टर होता है ना कि मुझे पुलिस वाला कोई कैरेक्टर एक बार तो करना है, बहुत मन है होता है किसी भी इंसान का। नहीं यार, जैसे अभी आपने कहा कि जब राग देश मिली थी आपको, आपके डैड की कुछ कैरेक्टर थी मैं आपके वही अंदर? कह रहा हूँ, मेरे को अभी तक ना जिंदगी ने बहुत सरप्राइज किया है। मैंने भंडारी कभी सोचा ही नहीं था कि मैं करूँगा, है ना। और जैसे राग देश में भी जो मैंने मोहन सिंह किया, वो भी मैंने कभी सोचा ही नहीं था मैं करूँगा, लेकिन जब ऐसी तोहफे मिलते हैं ना जीवन से, तो मुझे कहीं ना मेरे खुद की जो ऐसे वो बनाए हुए ना कि मैं ये भी करना है, ये भी करना है, वो टूटते जा रहे हैं आस्ते आस्ते। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से जिंदगी खुद को पेश कर रही है ना, वो ज़्यादा खूबसूरत है। तो मेरे अंदर अभी लाइफ में ऐसे वो जो मैंने सोचे हुई थी चीज़ें आज से कुछ साल पहले, वो सब टूट चुकी हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे पास जब कुछ भी आता है ना, तो मैं देखता हूँ, जब वो मुझे मिलता है, तो मुझे समझ में आता है कि यार ये यही चाहिए था मुझे, लेकिन मुझे पता नहीं था। भंडारी में कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुझे ऐसा कैरेक्टर मिलेगा, और आज जितना प्यार मिल रहा है चारों तरफ से, आज शोहरत भी जितनी मिल रही है, सब भंडारी करके मिल रही है ना। तो मुझे लगता है कि ये सब पता है कुदरत को कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या चाहिए, वो सिर्फ समय अनुसार तुम्हें देती जा रही है। तो मैं थोड़ा वहां पे हूँ लाइफ में। एंड हु इज योर इंस्पिरेशन? अगेन, अ लॉट ऑफ पीपल फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब मैंने शाहरुख भाई के साथ काम किया है एक, मैंने दुबई टूरिज्म का ऐड किया उनके साथ। तो इंस्पिरेशन तो मतलब मैं क्या, इतना कुछ है सीखने को कि 3 दिन का शूट सुबह से शाम तक कुछ कम है। आया मैं वहां से इंसान ही बदल के आया हूं मैं, जब से मैंने उनके साथ काम किया है। मतलब मेरे को समझ में आ गया कि किस तरह की डेडिकेशन चाहिए। हम लोग को लगता है कि वो शाहरुख खान है, मगर वो वहां पहुंचे हैं क्योंकि वो उन्होंने खुद को ऐसा बना लिया है कि वो तुम पकड़ ही नहीं सकते हो। तो इतना कुछ सीख के आया, तो उसमें वो इंस्पिरेशन है। जिस तरह से इमोशनल कैरेक्टर रणबीर कपूर प्ले करते हैं, मतलब वो स्क्रीन पे देख के लगता है कि यार कैसे किया ये, मतलब। तो उसमें
अपना पंक्चुअलिटी में, हार्ड वर्किंग, जैसे जिस तरह से हैं, आवाज़ पे जो कंट्रोल है बच्चन सर का, तो मैं कह रहा हूँ कि ये इन सबके पास कुछ ना कुछ है। अक्षय कुमार सर क्या एक्शन करते हैं, कॉमेडी उनका जो है टाइमिंग, उससे हम सीख सकते हैं। मुझे तो लगता है मतलब एक्टर किसी से कुछ भी सीख सकता है। थोड़ी देर में मैं महेश से भी कुछ सीख के जाऊंगा यहाँ से। एंड बेस्ट डायरेक्टर, वन ऑफ बेस्ट। बेस्ट डायरेक्टर, मुझे काफ़ी डायरेक्टर्स की काफ़ी फिल्में बहुत पसंद हैं। इम्तियाज़ सर का मुझे हाईवे, तमाशा, रॉकस्टार, सब ऑलमोस्ट काफ़ी फिल्में। कुछ डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने इंडस्ट्री चेंज कर दी, करण जौहर है और आदित्य चोपड़ा है नाम, राजकुमार हिरानी है। मैं तो जहाँ पे हूँ इन लोगों की नज़रों में, मैं आ जाऊँ तो मेरी किस्मत बहुत बढ़िया है। मुझे नहीं लगता मैं कह सकता हूँ कि मुझे इस डायरेक्टर के साथ काम करना है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे में पोटेंशियल, मतलब इन लोगों को कुछ भी नज़र आए तो मतलब फिर एक तोहफा हो जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। जैसे आपने अभी रणबीर कपूर की बात की, हाँ जी संजू उनका ट्रेलर आया है, जी देखा आपने? कैसा बिल्कुल, लगा? मैंने देखा, कैसा लगा? मैंने काफ़ी बार देखा, अद्भुत है भाई। और जितना एक एक्टर समझ सकता है ना कि कितनी मेहनत गई है उसमें, मुझे लगता है कोई और समझ सकता है। मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि किस हद तक खुद को कहाँ लेके गया है इंसान। खुद को तो पहले खुद को भी पूरा निकाल देना है बीच में से, और फिर जब खाली हो जाओ तो फिर एक संजय दत्त जैसे इंसान को पकड़ना, और उनके इतने शेड हैं, इतने, वो कोई सिंपल इंसान नहीं है वो, कि कहना आसानी से, वो भी सिंपल इंसान भी इतने इजी नहीं होते। मगर जब संजू भाई जैसा किसी को पकड़ना, जो उनके इतने चेहरे हैं और फिर एक एक चेहरे को अलग अलग उम्र के हिसाब से पकड़ना, मतलब वो इतना हार्ड वर्क है कि वो पीएचडी है एक, और ये पीएचडीज करने के लिए आपको 5 साल नहीं मिलते, कुछ महीने मिलते हैं, और जो आपका एग्जाम होता है वो सारी दुनिया देखती है, एक प्रोफेसर नहीं देखता। तो ये एक एक अलग लेवल ऑफ चैलेंज है। बट मुझे लगता है कि रणबीर भाई वॉज समवेयर सो डिजर्विंग फॉर दिस, ही डिजर्व दिस, और उनको ऐसे जब उनको मिला ना कुछ डिजर्विंग, तो मुझे लगता है उन्होंने अपना 150% दिया है और वो हमें दिख रहा है। उन्होंने इंजॉय किए वो हार्डवर्क, वो हम इंजॉय कर रहे हैं देख के। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू हमसे बात करने के लिए। विश के हम अगली ब्लॉकबस्टर आपकी हिट हो और हम आपसे बात करने आए। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू भाई।